आप सबको नमस्कार। आप सबको विजिटर मेरा इंग्लिश मीडियम हायर इंटरमीडिएट स्कूल में स्वागत है। मेरा नाम सविता, मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। तो हमने पिछली कक्षा में वर्णमाला में स्वराक्षर कितने हैं, व्यंजन अक्षर कितने हैं और संयुक्ताक्षर कितने हैं, और हमने देखा था कि 12 कड़ी को कैसे लिखना चाहिए। क का, की, कु, इसे हम 12 कड़ी कहते हैं। इसे किस तरह से लिखना चाहिए हमने देखा था ना। तो आज हम क्या करेंगे, स्वराक्षर, जो स्वराक्षर है आ से लेकर अहा तक, उन अक्षरों का उपयोग करके कुछ शब्द लिखेंगे। शब्द बोलते हैं यहाँ पे, वर्ड्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे पे क्या है, स्वर से शब्द, जो स्वराक्षर है ना आ से लेकर यहाँ पे अहा तक, ये सारे स्वराक्षर है। इस स्वराक्षर का उपयोग करके यहाँ पे कुछ शब्द है। तो देखो यहाँ पे देखते जाओ, आ से यहाँ पे क्या है, कौन सा शब्द यहाँ पे, एस, आ से अचकन, आ से आकाश, ई से इधर, ई से ईद, ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, रू से ऋषि, ए से एक तारा, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औषध, अम से अंगूर, अहा से प्रातः, अहा से प्रातः। देखो यहाँ पे आ से सिर्फ अचकन ही नहीं, और भी बहुत शब्द आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ से अनार, सुने हो ना, आ से अनार। ऐसे यहाँ पे जो स्वराक्षर है इनके लिए सिर्फ एक एक शब्द नहीं आता, बहुत शब्द आते हैं। तो देखो यहाँ पे आ से अचकन, अचकन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस। आप कभी पहने हो अचकन, एस, अचकन को इंग्लिश में कोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोट, जो आप आपकी शर्ट के ऊपर पहनते हो ना फेस्टिवल रहने पर, कोट, उसे हम हिंदी में अचकन बोलते हैं। देखो ऐसे यहाँ पे आ, ये सिर्फ आ, ये आ, आ से आकाश, एस। देखो यहाँ पे आकाश, ये आकाश जो शब्द है ये किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे कि आपके फ्रेंड का नाम आकाश, एस। यहाँ पे जो आकाश है ये वो नहीं, हिंदी में आकाश बोले तो इंग्लिश में स्काई बोलते हैं, है ना। आकाश में, रात में चांद होता है, दिन में सूरज होता है, एस। यहाँ पे देखो इस आकाश, स्काई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्काई बोलते हैं। नेक्स्ट, ई से इधर, ई से इधर, इधर मीन्स हियर, क्या बोलते हैं, हियर, ई से इधर, ई से ईद। देखो यहाँ पे ई से ईद, पता है ईद, एस, ईद बोलते हैं यहाँ पे, फेस्टिवल बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ईद, कोई भी ईद, कोई भी फेस्टिवल। ऊ से उत्तर, उतरना, उतरना, चढ़ना, एस, उतरना, चढ़ना, यहाँ पे नीचे उतरना मीन्स मूविंग डाउन साइड, नीचे उतरना। ऊ से ऊपर, ऊपर बोले तो जो यहाँ पे मेरे हाथ में जो पेन है मार्कर का, ये ऊपर है, ऊपर को इंग्लिश में अपसाइड बोलते हैं, अपसाइड, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर बोले तो अपसाइड, नीचे बोले तो डाउन साइड। नेक्स्ट, रू, रू से ऋषि, यस, आपको पता है ऋषि, जो ऋषि मुनि होते हैं हमेशा से ध्यान करते रहते हैं, क्योंकि वो अपने मन को प्रशांत करना चाहते हैं, यस। यहाँ पे ऋषि, ऋषि को इंग्लिश में सेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेज। देखो नेक्स्ट, रू के बाद कौन सा अक्षर है यहाँ पे, ए, ए, आई, ओ, औ, अम, अहा, ए, ए से एक तारा, पता है एक तारा, एक तारा को इंग्लिश में सितार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सितार। ऐसे ऐनक, ऐनक पहने हो, ऐनक, एस, आपके घर में अगर आपके दादा दादी हो तो
वो हमेशा ऐनक पहनते हैं क्योंकि उनके आंख की जो रोशनी होती है वो कम दिखती है, इसलिए ऐनक पहनते हैं। ऐनक, ऐनक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पेक बोलते हैं। ओ से ओखली, देखो यहाँ पे ओखली, ओखली ये ऐसा शब्द है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कुछ मसालों को मिक्स करना है तो आप क्या करते हो? मिक्सी में डालते हो या ग्राइंडर में डाल के उसे पीसते हो ना, तो उसी तरह जो हिंदी में जो ओखली है, ओखली में भी कुछ मसाले की चीजों को उसमें डालकर पीसा जाता है ये ओखली में। उसे औषध, औषध को मेडिसिन बोलते हैं या टैबलेट भी बोल सकते हैं। अम से अंगूर, यस अंगूर, आप इस शब्द को बहुत बार सुन चुके हो। अंगूर, अंगूर जो खाते हो ना आप, अंगूर जो हरे होते हैं, ग्रीन होते हैं या काले होते हैं, ब्लैक कलर के है ना, यस अंगूर बोलते हैं पे। ग्रेप्स, ओके, जो सबको पसंद है। आहा, यहाँ पे प्रातः, देखो यहाँ पे आहा से स्टार्टिंग में कोई शब्द नहीं आता, उसका जो उच्चारण है लास्ट में होता है, अंत में होता है। देखो यहाँ पे प्रातः, तह, इस तह में, देखो यहाँ पे प्रातः, इस तह में यहाँ पे आहा है ना, देखो प्रातः है ना यहाँ पे आहा, यस। तो यहाँ पे आ से लेकर जो आहा स्वराक्षर है, इन स्वराक्षर को उपयोग करके हमने यहाँ पे कुछ शब्द सीखा है। तो यहाँ पे स्वराक्षर के बाद जो व्यंजनाक्षर आ रहे हैं, यहाँ पे व्यंजन, देखो यहाँ पे व्यंजन, व्यंजन शब्द, यस व्यंजन शब्द यहाँ पे क, ख, ग, घ, न, चलो बोलो। अब यहाँ पे क अक्षर को उपयोग करके कोई एक शब्द बोलो। यस आपको पता है का से कमल आता है, का से कलम आता है, देखो यहाँ पे का से कमल लिखेंगे, कमल, कमल में सब है लोटस, का से कमल, खा से, खा से कोई एक शब्द। यस आप सही सोच रहे हो, आपको पता है खा से खरगोश बोल सकते हैं। पता है खरगोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैबिट। पर मैं यहाँ पे खा से खग लिखूंगी, खग, खग का मतलब क्या है पे? खग को इंग्लिश में बर्ड बोलते हैं, यस बर्ड या चिड़िया भी बोल सकते हो। खा से खग, गा से, यस बोलो गा से, देखो गा से यहाँ पे गर्दन, गर्दन देखो इसे हम, इसे हम गर्दन बोलते हैं, नेक बोलते हैं ना इंग्लिश में नेक, इसे हम हिंदी में गर्दन बोलते हैं। नेक्स्ट घा, घा से, घा से घड़ा, घड़ा में से यहाँ पे पॉट, जो घड़े में पानी भरते हैं उसे हम पॉट बोलते हैं इंग्लिश में, घा से घड़ा। तो यहाँ पे न्या, कख, गघ, न्या। तो आज बस व्यंजनाक्षर के इतने ही शब्द है, अगली कक्षा में हम और कुछ शब्द देखते जाएंगे। तब तक के लिए घर पर ही रहिए, ओके, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।